गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर फिट एंड हेल्दी। नाउ टुडे फ्रॉम आवर इंग्लिश फर्स्ट टेक्स्ट बुक विल बी स्टार्टिंग लेसन नंबर 6, ब्राउन वुल्फ, रिटन बाय जैक लंडन। नाउ बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, आई जस्ट गिव यू अ समराइजेशन so that you can understand the chapter clearly. Brown Wolf एक ऐसे जानवर की कहानी है जो अपने मालिक से बिछड़कर कहीं पहुंच जाता और वहां उसे दो अजनबी मिलते हैं। वो उन अजनबियों के साथ में किस तरह से रहना शुरू करता है, किस तरह से उसके साथ में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं और जब भविष्य में उसका मालिक खुद उसके सामने आ जाता है, जो पुराना मालिक था, जब वो खुद उसके सामने आ जाता है तो वो जानवर किस तरह से रिएक्ट करता है, क्या वो जानवर अपने नए मालिकों के पास में रहता है या अपने पुराने मालिक के साथ में चला जाता है, ये हम इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ेंगे। इट्स अ वेरी शॉर्ट स्टोरी ऑफ एन क्रीचर हु मीट्स न्यू owners. How does he meet them? How does he stay with them? What happens with them when his own old master comes? Does the animal go with his old master or he remains with the new ones? This we are going to read in this chapter. पैराग्राफ नंबर 1। दे कॉल्ड हिम वुल्फ, वो उसे वुल्फ बुलाते थे। इन बिल्ड एंड कोट ही वॉज ए ह्यूज टिम्बर वुल्फ, बट इन हिज कलर ही एडवर्टाइज हिमसेल्फ एज अ डॉग। अंडरलाइन एडवर्टाइज, अपने आप को प्रदर्शित करना। बनावट और कोट से, कोट मतलब उसके बाल और उसकी जो खाल थी उससे, वो एक बड़े टिम्बर वुल्फ के जैसा दिखता था, लेकिन यदि उसके कलर को देखें तो वो एक कुत्ते के जैसा लगता था। नो वुल्फ वॉज एवर कलर्ड लाइक हिम, किसी भी वुल्फ का कलर उसके जैसा नहीं था। ही वॉज ब्राउन, डीप ब्राउन, रेड ब्राउन, अ मिक्सचर ऑफ ब्राउन्स, वो ब्राउन की अलग अलग शेड्स लिए हुए मौजूद था। And his eyes were twin topazes, golden and brown. उसकी दोनों आंखें दो टोपाज की जैसी थी, कुछ गोल्डन और ब्राउन कलर लिए हुए। वॉल्ड आइवन एंड मेज लव्ड द डॉग वेरी मच, परहैप्स दिस वॉज बिकॉज इट हैड बीन सच अ टास्क टू विन हिज लव। वॉल्ड आइवन और मेज दोनों ही उस कुत्ते से बहुत प्यार करते थे। वो ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें वो प्यार जीतने में बहुत मेहनत लगी थी। When he had arrived at the mountain cottage from nowhere, he had proved to be unsociable. Underline unsociable, असामाजिक। जब वो उनके पहाड़ में स्थित छोटी सी झोपड़ी में पता नहीं कहाँ से आया था, उस समय वो बहुत ही असामाजिक लगता था, मतलब मिलनसार नहीं था। ही हैड रिजेंटेड ऑल देयर एडवांसेस एंड हैड रिफ्यूज्ड टू लेट देम टच हिम। अंडरलाइन रिजेंटेड, मतलब मना करना। वो कितनी भी कोशिश करे हमेशा वो कुत्ता मना करता रहता था और वो उन्हें छूने भी नहीं दे रहा था। नेवरदलेस ही हैड स्टेड देयर एज ही वॉज टायर्ड एंड फैमिश्ड, बट वेन ही हैड रिकवर्ड ही सिंपली डिसअपीयर। फैमिश्ड, भूखा। अंडरलाइन फैमिश्ड एंड नेवरदलेस, मतलब वो वहाँ नहीं रहना चाह रहा था लेकिन फिर भी थकान और भूख के कारण उसे वहाँ रहना पड़ा। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा ठीक हुआ वापस से वो कुत्ता वहाँ से गायब हो। एंड दिस वुड हैव बीन द एंड ऑफ हिम इफ वॉल्ड had not spotted him along the railway line and brought him back to the cottage.
और शायद वॉल्ट और मेज के साथ में उसका ये रहना यहीं पर खत्म हो जाता यदि वॉल्ट उसे वापस से रेलवे लाइन से ढूंढकर पकड़कर अपने घर नहीं लेकर। वॉल्ट देन गॉट अ मेटल प्लेट मेड ऑन विच वॉज रिटन रिटर्न टू वॉल्ट आइवन ग्लेन एलन सोनोमा काउंटी कैलिफोर्निया एंड अटैच्ड इट टू अ कॉलर स्ट्रैप्ड अबाउट द डॉग्स नेक। अंडरलाइन स्ट्रैप बंधा हुआ। वॉल्ट ने फिर उस कुत्ते के गले में एक बेल्ट जो बंधी हुई थी उस बेल्ट के ऊपर अपने घर का पता प्रिंट करवा कर लगा दिया। सो एवरी टाइम ही डिसअपियर्ड ही वॉज कॉट एन रिटर्न। जब भी वो कुत्ता भाग कर जाता उसे पकड़ लिया जाता और वो फिर से घर आ जाता। द रिमार्केबल थिंग अबाउट हिज डिसअपियरिंग वॉज दैट एवरी टाइम ही फ्लेड ही वेंट नॉर्थ। होमिंग इंस्टिंक्ट वॉज वॉट वॉट थॉट अबाउट। अनलाइन रिमार्केबल एक जानी पहचानी सी हरकत। वो कुत्ता जब भी घर से भागता था तो हमेशा एक ही हरकत करता था और वो हरकत थी वो कुत्ता नॉर्थ की तरफ भागता। वॉल्ट को ये लगता था इसे होमिंग इंस्टिंक्ट है। होमिंग इंस्टिंक्ट मतलब इसका घर पुराना घर शायद नॉर्थ दिशा में होगा तो ये अपने घर की तलाश में उस तरफ। पैराग्राफ नंबर 5। आफ्टर अ फ्यूटाइल ईयर ऑफ मेनी फ्लाइट्स ही डिसाइडेड टू रिमेन एट द कॉटेज। अनलाइन फ्यूटाइल बेकार में अनसक्सेसफुल तरीके से होना। बहुत बार भागने की नाकाम कोशिश के बाद में उस कुत्ते ने वहीं झोपड़ी में रहना स्वीकार कर लिया। बट इवन आफ्टर दैट अ लॉन्ग टाइम वेंट बाय बिफोर वॉल्ट एंड मेज सक्सीडेड इन गेटिंग क्लोज टू हिम। पर इसके बाद में भी वॉल्ट और मेज को उस कुत्ते से दोस्ती करने में बहुत समय लग गया। इट वॉज अ ग्रेट विक्ट्री फॉर दे अलोन वर अलाउड टू टच हिम। लेकिन उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा सफलता की बात थी क्योंकि सिर्फ वे ही उस कुत्ते को छू सकते थे। इफ एनी वन एल्स ट्राइड दे वर ग्रीटेड विद एन एंग्री ग्राउल दैट वुड टर्न इन टू अ फ्राइटनिंग स्नार्ल। अनलाइन ग्राउल एंड स्नार्ल ये दोनों ही कुत्ते के भौंकने की अलग अलग आवाजें हैं। यदि कोई भी दूसरा व्यक्ति उस कुत्ते को छूने की कोशिश करता तो पहले तो वो गुस्से में गुर्राता और फिर वो गुर्राना बहुत ज़्यादा आक्रोश वाला बढ़ जाता। And snarling was all the sound he made. No one had ever heard him bark even once. वो कुत्ता सिर्फ ये अजीब सी आवाजें ही कर रहा था। किसी ने भी उस कुत्ते को कभी भौंकते हुए नहीं सुना। As Walt and Madge walked along the country road one morning with Wolf trailing behind, they heard a crunching of heavy feet. A few minutes later, a man came into view around the turn of the trail. Underline trailing and crunching. Trailing मतलब जो सड़क थी उसमें एक छोटा सा पाथ बना हुआ था, पगडंडी के जैसा बना हुआ था, उस पर वो लोग चल रहे थे। And crunching भारी कदमों की आवाज में। एक बार जब वॉल्ट और मेज उस कुत्ते के साथ में कंट्री साइड पर घूम रहे थे तब उन्हें पास की झाड़ियों से भारी कदमों की आवाज सुनाई थी। अ फ्यू मिनट्स लेटर अ मैन केम इनटू व्यू अराउंड द टर्न ऑफ द ट्रेल। कुछ ही समय के बाद में उन्होंने देखा कि एक आदमी उस रास्ते के दूसरे कोने से आगे बढ़ता हुआ आ रहा था। वार्म डे वॉल्ट ग्रीटेड है। वॉल्ट ने उस आदमी को ग्रीट करते हुए कहा वार्म डे। द मैन पॉज्ड एंड नॉडेड। अंडरलाइन पॉज्ड एंड नॉडेड। पॉज्ड मतलब रुकना और नॉडेड मतलब सिर हिला देना। आदमी थोड़ी देर वहां रुका
और फिर उसने उस जो वर्ड ने उसे ग्रीट किया था उस अभिवादन को स्वीकार कर लिया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर विल मीट इन द कमिंग वीडियो।